को आज मध्य प्रदेश सरकार का पेपरलेस बजट पेश किया गया। यह बजट वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा पेश किया गया। इस बजट में क्या खास है, कर्मचारियों को क्या मिल सकता है इस बजट के अंतर्गत, तथा बेरोजगारों की कौन कौन सी मांगों को पूर्ण किया जा सकता है इस बजट के अंतर्गत, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं इस बजट के अंतर्गत होंगी, दोस्तों हम ये सभी जानेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए विस्तार पूर्वक इस खबर को। दोस्तों 2021 के बजट में कर्मचारियों के लिए क्या खास है, जैसा कि जगदीश देवड़ा ने कहा है, हमारी सरकार सदैव कर्मचारी हितैषी रही है। शासकीय सेवकों को उनके संपूर्ण सेवा काल में 3 उच्चतर वेतनमान प्राप्त करने के निश्चित अवसर प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त कई कल्याणकारी योजनाएं भी लागू की गई हैं। हमारी सरकार ने शासकीय सेवकों के लिए 7वां वेतनमान लागू किया था। इस वेतनमान से संबंधित एरियर की तृतीय व अंतिम किस्त का भुगतान के लिए नवम्बर माह में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एरियर की 25% राशि का आदेश कर दिया था। साथ ही उन्हें आश्वस्त किया था कि शेष 75% राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2020-21 में किया जाएगा। इस संबंध में आदेश शीघ्र ही जारी होंगे। तो दोस्तों एक तो ये कर्मचारियों के लिए शीघ्र ही तृतीय किस्त यानी अंतिम किस्त सातवें वेतन की जारी होगी। वहीं राष्ट्रीय पेंशन योजना के अभिदाताओं द्वारा राज्य शासन द्वारा अभिदाताओं के मूल वेतन व महंगाई भत्ते के योग का 10%, इस प्रकार कुल 20% राशि अभिदाताओं के पेंशन योजना के खाते में जमा की जा रही है। भारत सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के नियोक्ता अंशदान को बढ़ाकर के 14% किया गया है। राज्य सरकार अपने नियोक्ता अंशदान की वृद्धि के संबंध में शीघ्र ही निर्णय लेगी। तो दोस्तों जहां कर्मचारी 2 वेतन वृद्धि व डीए की आस लगाए बैठे थे, इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है, प्रथम दृष्टा ऐसा दिख रहा है। वहीं देखते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य पर कितना खर्च कर रही है सरकार। स्कूल शिक्षा की प्रथम सीढ़ी व जीवन मूल्यों का आधारशिला है। आज की आवश्यकता है कि हमारे विद्यालय में सर्व सुविधा युक्त अधोसंरचना तथा पर्याप्त एवं दक्ष शिक्षक हों। 21वीं सदी के लिए आवश्यक कौशल सभी विद्यार्थी अर्जित कर सके, इस हेतु स्मार्ट कक्षाएं, डिजिटल लर्निंग, कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला, व्यावसायिक प्रयोगशाला विद्यालयों में अपेक्षित ही सही है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु कला, संगीत, खेलकूद आदि व्यवस्थाएं उपलब्ध होनी चाहिए। विद्यालयों से दूर निवासरत विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित परिवहन व्यवस्था भी सुनिश्चित होना चाहिए। इसी अवधारणा से हमारी सरकार ने सीएम राइज योजना संचालित करेगी। इस योजना के अंतर्गत 9,200 विद्यालयों को सर्व सुविधा युक्त विद्यालय के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है। प्रत्येक बसाहट के 15 किलोमीटर की परिधि में ऐसा एक विद्यालय उपलब्ध होगा, जो सीएम राइज योजना के प्रथम चरण में 350 विद्यालयों का विकास किया जा रहा है। इसके लिए 2021-22 में 1,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है बजट में। वहीं विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 21-22 में लगभग 24,200 पदों पर भर्ती की नवीन भर्ती की जाएगी। तो दोस्तों 24,200 पदों पर नवीन भर्ती होना है, वहीं ये बेरोजगार के लिए अच्छी खबर है। और साथ में 350 आधुनिक सीएम राइज स्कूल स्थापित किए जाएंगे सर्व सुविधा युक्त। ये शिक्षा विभाग के साथ में इसके अंतर्गत और भी कुछ योजना है कि स्टार्टिंग टीचिंग लर्निंग एवं रिजल्ट फॉर स्टेट स्टार्स योजना के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। इसी के अतिरिक्त योजना के स्तर पर असेसमेंट सेल की स्थापना, स्कूल नेतृत्व, प्रशासनिक सुधार, शैक्षणिक प्रबंधन एवं स्कूल टू वर्क के कार्यक्रम जो उद्यमता को बढ़ावा देते हैं आरंभ किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत 21-22 में 26 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। वहीं शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु भारत के प्रतिष्ठित संस्थान जैसे भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर एवं प्रौद्योगिकी संस्थान IIT गांधीनगर में स्त्रोत शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं ग्रामीण विद्यालयों में 70% विद्युतीकरण आगामी 3 वर्षों में मिशन मोड में पूर्ण रूप से लिया जाएगा। इसी तथा सभी हायर सेकेंडरी व हाई स्कूलों में आवश्यक फर्नीचर की पूर्ति आगामी 3 वर्षों में करने का लक्ष्य है। वहीं विद्यालय के संधारण व विद्युतीकरण व फर्नीचर प्रदाय के लिए 21-22 में 319 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों ये इस प्रकार से ये शिक्षा और स्वास्थ्य पर कुछ बजट खर्च किया गया है, जहां दोस्तों अधिकतर कर्मचारियों में देखा गया है कि निराशा लेकर के आया ये बजट, कोई खास नहीं लेकर के आया। जहां कर्मचारी उम्मीद लगाए बैठे थे कि उन्हें डीए मिलेगा और साथ में जो उनका इंक्रीमेंट रुका हुआ है तो इंक्रीमेंट भी उन्हें इस बजट के अंतर्गत मिल जाएगा। तो दोस्तों अब ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं।